Sir? Sir! ऐसा जो है रात में नींद पूरी ना होती जो दिन में जो है आँख खोल के सपने देखा करें आप। रात को नींद कैसे आएगी, किसी ने हमारी नींद जो चुरा ली है। हाय हाय। मेरा मतलब ये है कि रात को मोहल्ले में चोरी हो गई थी चंद्रमुखी जी, तो जाहिर सी बात है रात भर जागना पड़ा। खैर तुम यहाँ मेरे कैबिन में कैसे आ गई, तो बैठो प्लीज, कम सर प्लीज। तो मैं ये बताने आई हूँ कि कमिश्नर साहब का भी फोन आया था, वो कह रहे थे कि आने वाले शुक्रवार को जो है शाम को एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में आपने और मैंने ना उनके दफ्तर जाना है। ओके, वो शुक्रवार की रात जो हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसके बाद डिनर के लिए आप हमारे साथ चलेगी? ओहो ना सर, मैं जो है क्वेश्चन इज अराइजिंग, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस प्रकार की जो है रिलेशनशिप की फीलिंग से, किस रिश्ते की फीलिंग से आप मन्ने डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं? नहीं जिटे ब्रदरली और डैडीली और सीनियर ऑफिसर के नाते, यू नो इट्स अ प्योर ऑफिशियल डिनर है ना, मना मत करना प्लीज। सर ऐसा है, शुक्रवार जो है ना अभी घना दूर है, हैं उससे पहले भी और काम हो रहे हैं, चलेंगे। ओके चलेंगे। शुक्रवार रात 9:30 बजे मैं और चंद्रमुखी डिनर पर, बाय गॉड इस बार तो आई लव यू बोल ही डालूंगा। मैडम आप सिर्फ लिखती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? योले कर दिया ये बोल। अब जो बोलना है जरा जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बॉडी आ गया ना, तो मेरा मतलब है अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जरा जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो, क्यों हो और क्या हो। मैडम हम एक कवि हैं, हमारा नाम है भारतेंदु भटनागर, दो लाइनों में ना, चार लाइनों में भी होता तो के कर लेता तू। मैडम कर तो वो रहा है तिवारी जिसके खिलाफ हमें FIR लिखवानी है। मैडम हमने बड़े अरमानों से घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला, बेला इज माई वाइफ। तो वो मधुर और मिलन की क्या है? कौन मधुर कौन मिलन? जिनकी वो बेला है। बेला तो मेरी है दो लाइनों में। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा मधुर मिलन की बेला, तो वो उनकी कौन है? अब मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है यार? नहीं, इसे और मत भटकाओ भारतेंदु भटनागर, आगे का किस्सा तो सुनाओ। ओके बाय। तो मैडम हमने घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। अब क्योंकि मैं कवि हूँ इसलिए मैंने नाम भी कविता में ही रखा, उसमें बेला माय वाइफ, चमेली माय साली शिफ्ट कर गए। बेला चंपा चमेली जूही, न कैसी गजरेदार फैमिली हो रही थारी। आगे बोल। हाँ तो मैडम हुआ ये कि बेला माय वाइफ जिद पर अड़ गई कि जब तक इसका इंटीरियर नहीं होगा हम वहां नहीं रहेंगे, तो चमेली माय साली तिवारी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लाई, हमने उसे इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैडम आज 1 साल हो गया है न तो वो काम पूरा कर रहा है और न ही वहां से निकलने का नाम ले रहा है, एक तरीके से तो वो बस गया है दो लाइनों में। पहले चाय के लिए वो रिक्वेस्ट करता था, अब ऑर्डर देता है। मुझसे पहले चाय और नाश्ता बेला माई वाइफ उसे देती है। और मैडम आदमी देखिए कितना पाजी है, अपने विजिटिंग कार्ड पे हमारे घर का पता छपवा दिया है। मैडम मेरी बीवी और साली, मतलब बेला और चमेली, हाँ हाँ, जब भी मैं तिवारी को डांटता हूँ तो वो दोनों मुझे डांटने लगती है दो लाइनों में। भाई वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हो रहा है जो घर खाली ना करके दे रहा? बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। ना बुलवाओ जरा साले ने, हम भी देखे माजरा के है। यस! मैडम माजरा नहीं देखा जाता, मुजरा देखा जाता है।
ओ तिवारी कंट्रैक्टर, के दादागिरी मचा रखी तेने इलाके में, इसका घर क्यों ना निपटा रहा तू, तेने निपटा दो मैं यहीं। देखे मैडम, इनको तो कोई इज्जत शोहरत मान सम्मान जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का है। पूछिए इनसे, इनसे पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आपने मुझसे क्या कहा था कि तिवारी भैया भले ही थोड़े दिन ज्यादा हो जाए लेकिन काम फाइनल करके छोड़ना। तब मैंने कहा था कि डोंट वरी, बना के छोड़ूंगा, क्योंकि क्योंकि अगर काम के बारे में कोई शिकायत आएगी तो नाम तो इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का ही खराब होगा ना। बना के छोड़ूंगा। मधुर मिलन की बेला बना रहा है, ताजमहल का ही ना बनवा रहा तू। 15 दिन में इसका घर निपटा के दे चल। मैडम, इस तिवारी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, मैंने इनकी पत्नी बेला मैंने इनकी पत्नी से लिखवा लिया है कागज पे और साइन भी करवा लिया है कि जब तक मेरी तरफ से काम पूरा नहीं होता ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम अंदर की बात बताओ, ये जो फ्लैट है ना इनकी बीवी के नाम पे है। बेटा तू निकल, खेल चल जाके, खेलो खेलो चलो। आप समझ गए ना? हाँ, बना के छोड़ूंगा। घर बीबी के नाम हो रहा है, शोर तू मचा रहा है, टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है तू साले। मैडम आप ही कोई रास्ता बताइए ना दो लाइनों में। रास्ता है और दो लाइनों में ही है। पहली लाइन, तुम हमें पैसे दे दो, और दूसरी लाइन, हम तुम्हें उस तिवारी से आजादी दिलवा देंगे। वैसे भी हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है एक नंबर की जबरदस्त औरत है। आप एक कवि से रिश्वत मांग रहे हैं दो लाइनों में? अरे यार तुम एक काम करो, तुम हमें पैसे मत खिलाओ, तुम दो साल के लिए ना इस तिवारी को पाल लो, चापा खत्म। नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप कोई रास्ता बताइए दो लाइनों में। रास्ता एडिया सप्लायर बताएगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाव चिरकुट चिरकाऊ एडिया आ रहा है। जरा मेज के नीचे तो आइए, मैं आता हूं। तू तुम्हारी शादी में दूध में जो है मसाला मिल्क घोलेगा? ऑफ कोर्स मैडम। भाई ऐसा है कि तू तो उसे पैसे देता है ना कॉन्ट्रैक्टर को सामान लाने के, प्लाईवुड हार्डवेयर वगैरह थारे घर में जो सामान लगता है उसके लिए, तो तू पैसा देना बंद कर दे ना। जब तू पैसा ना देगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी प्लाईवुड और वो सारा सामान लाएगा घर बनाने को, हैं? फिर वो खुद ही जो है तंग हार के काम छोड़ के चला जाएगा। समझ गया। थैंक यू दो लाइनों में। गुड। मैं ये कह रहा था कि पक लिया। You go! जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। वो सो रहा है सर। हंगल साहब, आपके लिए कुछ और कहूं? ना जाने कहां कहां से आ जाते हमारे बालक हैं वो। ओके चंद्रमुखी जी, दरअसल मैं आपसे ये पूछना भूल ही गया, शुक्रवार के रोज जो हम डिनर पर जा रहे हैं, अब क्या खाना पसंद करोगे? चाइनीज, अरबी, इटालियन या फिर थाई? मैडम गजब हो गया दो लाइनों में। मैडम आपने कहा था ना कि उस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर को इंटीरियर डिजाइन का माल खरीदने के लिए पैसे देना बंद कर दो, तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो इतना बेशरम निकला कि पड़ोस के हार्डवेयर दुकान में चला गया और मेरे नाम पर उधार मांगने लगा। और दुकान वाले ने उधार पे माल दे दिया? नहीं दिया ना। उसने कहा कि वो मेरे नाम पर एक पैसे का उधार नहीं देगा।
वो क्या है ना कि पिछली बार जब मैं उसके यहाँ से हार्डवेयर का माल खरीद के लाया था ना, तो उसके 65 रुपए आज तक बाकी रह गए। और ये तिवारी इतना शातिर निकला कि उसने मेरी कार उसके पास 50,000 रुपए में गिरवी रख दी और सारा माल उठा लाया। आप बताइए मैं क्या करूं दो लाइनों में। भैया साहब, हमारी नॉलेज के अनुसार जो है ना, कोई भी कंट्रैक्टर कतईयो बर्दाश्त ना कर सके कि कोई उसके काम में मीन मेक निकाले। तो तू तो जो है ना, कमर कस के उसके संग झिक झिक करने चालू हो जा तू। ना वो जो बना के दे उसे रिजेक्ट कर दे, ना उसकी लाइफ में जो है कतई नेगिंग वाइफ बन जा तू। ओके, फिर वो अपने आप थारा घर छोड़ देगा। थैंक यू मैडम, मैं अभी जाता हूं। मैडम, 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 ओए किधर? मैं ओ तेरे क्या हो गया है? मैडम मुझे तो लगता है उस तिवारी ने इसे कुत्ते की तरह लपेट लपेट के, लथेड़ लथेड़ के, लेटा लेटा के पीटा है। भाई ऐसी पिटाई तो बीबीए किया करती हैं। मुझे लगता है इसकी पिटाई भी इसकी बेबी बेला ने की है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी पिटाई भी मेरी बीबी ना कभी चिमटे से, कभी झाड़ू से, कभी कड़छी से, कभी झाड़ू। पारिवारिक परेशान पति, चुप कर, तू बोल। सिर्फ मेरी बीवी ने नहीं, बल्कि बिल्डिंग के सारी बीवियों ने मिल करके मुझे पीटा है दो लाइनों में। क्यों, क्या कर दिया तने जगत बीवियों को? अरे मैडम, आपके कहने पर मैंने घर जाके तिवारी के साथ झिकझिक शुरू कर दी। मैंने कहा ये खराब है, ये बेकार है, इसे हटाओ, इसे तोड़ो, और हथौड़ा ले करके दीवार तोड़ने लगा। तिवारी ने मुझे रोका तो मुझे लगा कि शायद मुझसे परेशान हो रहा है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका इसे परेशान करने का, और हथौड़ा जोर से दीवार पर दे मारा। मुझे पता नहीं था कि वो दीवार बिल्डिंग का पिलर है, जो कि पहले से 7वें माले तक क्रैक हो गया। इसी वजह से बिल्डिंग के सारी औरतों ने मेरी बीवी के साथ मिल करके मुझे पीट दिया। भाई वो तो थारे संग घोर गड़बड़ होगी है। एक काम कर भाई, स्टोरी के जो दो मेन करेक्टर हो रहे हैं ना, बेला और चमेली, नकल को तू उन्हें थाने में लेके आ। मन ने दी केस, केस का सोल्यूशन ना वहीं से निकलेगा। ओके, ये आया है अकेला लेके हाथ खाली। ये तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी और कहाँ है तुम्हारी साली? ओके बाय। वो दोनों स्कूटर पे आ रहे हैं। स्कूटर कौन चला रहा है, तुम्हारी बीवी बेला या साली चमेली? अरे चमेली चला रही होगी यार, वैसे भी स्कूटर चलाती हुई लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। मतलब एकदम वो एक जवानी का झोंका आता है। सॉरी। हाँ भाइयो, भारतेंदु, कहाँ है थारी बेली और फ्लावर्स? वो दोनों तिवारी के साथ स्कूटर पे आ रहे हैं। जो, 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 जो। अरे माने कैसे नहीं, इतना तो हक बनता है ना इनका। क्यों बेला जी जी? हाँ चमेली, आखिर हमारा घर जो बसा रहेंगे? बसा नहीं, बना रहे हैं। देखा कितनी चलती है तिवारी की हमारे घर में। तेने जो है ना, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा एक सीनियर अफसर है, तो उसने जो है अपनी हवेली में इंटीरियर का जो है कंट्रैक्ट, उसकी जिम्मेदारी मन ने दी है, बिकॉज आई हैव गुड टेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो कंट्रैक्ट तू ले ले, हैं ना, तू वो कंट्रैक्ट ले ले और तुम दोनों फ्लावर शॉप, नहीं इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करो ताकि वो दूसरों के भी काम कर सके। अरे ऐसे कैसे, अभी तक तो इन्होंने हमारा घर फाइनल नहीं किया। एक मिनट, जब तिवारी ने कह दिया ना कि घर बना के छोड़ूंगा, बिना बनाए नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा काम तभी हाथ में लूंगा जब इनका घर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा है, हम भी अभी तक जो है ना बातों में केस सॉल्व कर रहे थे, अब कल से होगी केस की बढ़िया कार्रवाई। तो कल शाम 8 बजे आ जाना, यहाँ सम्मेलित हो जाना, कल से केस की शुरुआत करेंगे भाई अपने ढंग से। ओके, आओ चमेली। अरे देखा, मेरी बीवी और साली को ले गया, मुझे पूछा तक नहीं, कितनी चलती है तिवारी के मेरे घर में। हाँ तो भाई 8 बज गए हैं,
सभा लग गई है, लोग आ चुके हैं। हाँ भाई तिवारी, के डिसाइड करा तेने? सबसे पहले मैं इनका घर बना के छोड़ूंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम हाथ में लूंगा। वो तो तू बाद में छोड़ेगा, उससे पहले दुनिया छोड़ेगा। ये 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 तुम क्या कर रहे हो यार, तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूँ दो लाइनों में। देखो कहीं तुम इसको गोली मत मार देना। चमेली, ये सब क्या है दो लाइनों में? भाई दो लाइन की ना बल्कि एक लाइन की एक बात ये हो रही है कि ये हो रहा है तुम्हारी साली यानी कि चंपा का चंपू। और ये थारे घर का काम इसलिए खत्म ना कर रहा था क्योंकि थारे घर में ही चल रही है इन दोनों की रास लीला। इस बंदूक में जो है ना गोलियां नकली हैं। और ये तो गोली की आवाज सुन के कतई बेहोश हो गया है। और तू, हमने जो तैने प्लान बताया था ना इसे सूट कर देने का, वो ऐसे ही कोई ना बताया था टाइम पास के लिए। वो इसलिए कहा था ताकि तैने जो है इन दोनों की सच्चाई मालूम पड़ जाए और हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। भाई उठा इसे। ओ चलो केस सॉल्व हो गया। ओ तिवारी चलो जिंदा हो जाओ। तिवारी तिवारी ते। और तू तिवारी, ऐसा है 15 दिन में इसके घर का काम निपटा के दे तू। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 15 दिन के अंदर मैं इनका घर बना के छोड़ दूंगा। और 16वें दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा दो लाइन में। गॉड दिस इज हैप्पी एंडिंग। यू अपने अपने घर को निकलो, नाइस मीटिंग, चलो बाय। बाहर कहीं बाद में आना। कोई बात नहीं मैडम, उसमें क्या। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी तख लिया। आउच गो, आउच। जा रहे हैं सर। ओके चंद्रमुखी जी, मैं तैयार हूँ, चलिए चलते हैं मीटिंग और डिनर दोनों के लिए। सर डिड आई फॉरगेट टू टेल यू? What? अरे सर वो जो है ना कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो ऑब्वियसली डिनर आल्सो कैंसिल। अरे मीटिंग कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन डिनर क्यों? आदमी खाना नहीं खाए भूखा मर जाए। देखिए मत कीजिएगा कैंसिल डिनर का प्रोग्राम। सर आपके प्रोग्राम के अलावा चंद्रमुखी को है और भी कई काम। काम काम काम, कब छपेगा इसके दिल पे मेरा नाम? चंद्रमुखी।